सौरव गांगुली के बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आने वाले अब सारे सीजन्स में सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर नहीं रह पाएंगे। और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 कैंडिडेट्स और फॉर्मर प्लेयर्स के नाम बताएंगे जो दिल्ली की टीम की आईपीएल 2020 में मेंटरिंग कर सकते हैं। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो भाई यहां कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला नाम जो कि बहुत ज्यादा YouTube पर स्पेशली उछाला जा रहा है, वो है भाई राहुल द्रविड़। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि राहुल द्रविड़ दिल्ली के नए मेंटर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा समीकरण और पेच जो है वो राहुल द्रविड़ के सामने है। दरअसल दोस्तों इस समय भारत के अंडर 19 टीम के कोच है राहुल द्रविड़, और बीसीसीआई के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नियम अनुसार अगर कोई भी बड़ा नाम किसी भी टीम का कोच होता है, भारतीय टीम का कोच होता है, तो वो आईपीएल की किसी टीम का कोच नहीं रह सकता और ना ही आईपीएल में कमेंट्री कर सकता है। इसीलिए हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में ना हमें कमेंट्री बॉक्स में राहुल द्रविड़ देखे और ना ही कोचिंग डिपार्टमेंट में देखे। हालांकि ये पहले राजस्थान रॉयल्स के कोच रह चुके हैं, दिल्ली डेविल्स जो खेलती थी, नाम चेंज हुआ बाद में, उसके भी कोच रह चुके हैं राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ के पास कोचिंग का एक्सपीरियंस है, मेंटरिंग का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो चाहकर भी दिल्ली के मेंटर नहीं बन सके क्योंकि वो नियम अनुसार इस समय बंधे हुए हैं। तो राहुल द्रविड़ तो नहीं होंगे, लेकिन जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है वीरेंद्र सहवाग। अब वीरेंद्र सहवाग के सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं। हालांकि हमने देखा है कि पिछले 1 सालों में उन्होंने कमेंट्री से थोड़ा सा हाथ पीछे खींच लिया, ज़्यादा कमेंट्री करते नहीं हैं। मेंटर के रूप में वो किंग्स इलेवन पंजाब के साथ एज ए कोच भी जुड़े थे, वहाँ उनका अनुभव अच्छा रहा नहीं। आईपीएल में दोस्तों जो है कॉमेंट्री बॉक्स में ही हमें वीरेंद्र सहवाग दिखाई देते हैं, लेकिन एक अच्छा रोल मिल सकता है क्योंकि दिल्ली के ही हैं, दिल्ली से ही उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत करी थी, दिल्ली से ही उन्होंने आईपीएल खेलने की भी शुरुआत करी थी। तो ये बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है, आईपीएल का अनुभव भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिकी पोंटिंग की कोचिंग में ये लोग मेंटर के रूप में वीरेंद्र सहवाग को रखने वाले, चांसेस बड़े कम है। जो तीसरा नाम दोस्तों सामने आ रहा है यहां पर मेंटरिंग के पद के रूप में, वो है भाई माइकल क्लार्क। क्लार्क एक बहुत अच्छा विकल्प है आईपीएल की किसी भी टीमों के लिए। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का इनके पास अनुभव है, साथ ही दोस्तों क्योंकि कोच रिकी पोंटिंग होंगे तो क्लार्क के साथ उन्हें अपनी जोड़ी जमाने में भी ज्यादा समय लगेगा नहीं। क्लार्क के पास एक्सपीरियंस है और वो मेंटर का रोल अच्छे से निभा सकते हैं। आईपीएल में दोस्तों हमने माइकल क्लार्क को देखा है, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, लेकिन आईपीएल में पुणे वॉरियर्स इंडिया नाम की टीम की तरफ से खेल चुके हैं। बाद में कई टीमों में आए लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं बन पाया, भारत आए नहीं। हालांकि कमेंट्री बॉक्स में बड़ा सजग दिखते हैं हमें आईपीएल में, लेकिन अब आने वाले समय में दिल्ली एक बहुत अच्छा विकल्प माइकल क्लार्क को देख रही होगी मेंटरिंग पद के लिए। दोस्तों चौथा नाम, माइकल क्लार्क अगर नहीं बनते हैं, जिनका नाम सबसे ऊपर सबसे सामने आ रहा है, वो है भाई टॉम मूडी। टॉम मूडी इस समय पूरी तरीके से फ्री है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें अपनी कोचिंग पद से हटा दिया, और उसके बाद किसी भी टीम ने अभी तक उन्हें कोच नहीं बनाया है। हालांकि ये खबर जरूर थी कि कई टीमें उन्हें अप्रोच कर रही है, लेकिन अभी तक कोच नहीं बने हैं। और ऐसी स्थिति में टॉम मूडी मेंटर के रूप में दिल्ली के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इनके पास अनुभव है, आईपीएल में इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को 2016 में खिताब भी आया है और आईपीएल का एक्सपीरियंस है, साथ ही ऑस्ट्रेलियन भी है। तो रिकी पोंटिंग जो कि कोच है इनके, उनके साथ जोड़ी भी इनकी अच्छी जम जाएगी। तो इसीलिए टॉम मूडी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे तुरुप के इक्के वाले प्लेयर हैं और फॉर्मर और कैंडिडेट है दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग के लिए। दोस्तों पांचवा और आखिरी नाम जो कि कैपिटल्स के मेंटर पद के लिए सामने आ रहा है, वो है गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर पहले भी दिल्ली की टीम से खेल चुके हैं, बाद में केकेआर में गए, आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बन गए, फिर दिल्ली में आए तो उनका अनुभव खराब रहा और फिर संन्यास लिया। हालांकि दोस्तों अभी इस समय जो गौतम गंभीर है वो सांसद बन चुके हैं, और अगले साल 2020 में जब आईपीएल होगा उसी दौरान के करीब ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, और ऐसी स्थिति में गौतम गंभीर व्यस्त रहेंगे, इसलिए बहुत कम चांसेस है कि गौतम गंभीर जो है वो इस पद को एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि गंभीर एक बहुत अच्छा विकल्प है किसी भी टीम के मेंटर पद के लिए, क्योंकि गंभीर जो है वो कोचिंग मटेरियल नहीं है, उनका टेंपर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन मेंटर के रूप में वो किसी भी टीम को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। दिल्ली की टीम अप्रोच भी करना चाहेगी गौतम गंभीर के साथ, लेकिन गौतम गंभीर इस पर नेक्स्ट स्टेप लेंगे नहीं, क्योंकि अब उनकी जो पारी है ना वो सांसद के रूप में भी शुरू हो चुकी है और एज अ कॉमेंटेटर भी वो बहुत ज्यादा सजग दिखाई दे रहे हैं। तो गौतम गंभीर के चांसेस भी कम है। तो भाई
ये वो पांच नाम थे जो कि दिल्ली कैपिटल्स की मेंटर पद के लिए सामने आ रहे हैं। हालांकि इनमें से दो से तीन नाम का आना, भारतीय नामों का आना बहुत मुश्किल है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए ना, क्या कोई इनके अलावा भी कोई खिलाड़ी हो सकता है मेंटर, या इनमें से किसे बनना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स का मेंटर? यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स भाई आपके लिए दिया है, तो अपना आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।